नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। यूरोपीय संघ ने साफ किया है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने पर भी उसे मान्यता नहीं देगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया। इस सॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाना है। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की जीत पर पीएम मोदी ने टीम को बधाई दी। असम मिजोरम सीमा विवाद पर पीएम मोदी आज असम के सांसदों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी कानून की धारा 66A को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि इस याचिका में शिकायत की गई है कि शीर्ष अदालत द्वारा खत्म किए गए इस धारा के बावजूद राज्यों द्वारा इसके तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए सुरक्षित यात्रा और कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमिलनाडु सरकार ने केरल की यात्रा करने वाले लोगों के लिए निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट 5 अगस्त से अनिवार्य कर दी है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वैक्सीन की 17.06 लाख डोज लगाई गई है, जहाँ भारत में टीकाकरण का कुल आंकड़ा 49 करोड़ के पार पहुँच गया है। तमिलनाडु के 10 मछुआरों पर श्रीलंका की ओर से अचानक हमला किया गया, जिसमें एक के जख्मी होने की खबर है। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी तेज बारिश हुई, जहां मौसम विभाग के अनुसार यूपी उत्तराखंड के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष पर अनावश्यक आलोचना करने और केंद्र सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज प्राप्त कर मन प्रफुल्लित है। बिहार के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन आज अपने मुद्दों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए जल्द चेहरा घोषित करेगी। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों और प्रमुखों से बातचीत की है। पंजाब के उद्योगों को भी लुधियाना के किला रायपुर स्थित अदानी लॉजिस्टिक पार्क के बंद होने से बड़ा झटका लगा है। अब उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्च 33% तक बढ़ जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पिछले दिनों ट्वीट के जरिए एक बयान आया कि अधिकारी मेरे और मुख्यमंत्री के बीच गलतफहमियां पैदा करना छोड़ें। विज के ट्वीट पर जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जवाब दिया कि इसमें किसी घोड़े की गलती नहीं, घुड़सवार को घोड़े की लगाम ठीक से पकड़नी आनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर तंज कसा और कहा, विकास किया होता तो मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते। झारखंड में इंटर फेल होने वाले छात्रों ने जैक बोर्ड के चेयरमैन का पुतला जलाया और सब यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा है कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़े, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निवारण में मध्य प्रदेश के इंदौर को ए ग्रेड मिला है, जबकि जबलपुर को बी ग्रेड मिला है। खालिस्तान समर्थक एवं सिख फॉर जस्टिस संगठन के कर्ता धर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर व जनता सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धमकी दी है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि धमकी को लेकर किसी प्रकार का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब खुद हिमाचल की जनता देगी। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों पर रोष प्रकट करते हुए डोगरा यूथ के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। जहरीली शराब पीने से हुई 173 लोगों की मौत के मामले में कोलकाता की एक अदालत आज मुख्य अभियुक्त नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोरा बादशाह की सजा की घोषणा करेगी। राजकुंद्रा मामले पर शिल्पा शेट्टी ने एक बार फिर से कहा, मुझे भारतीय न्यायपालिका और मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। एक परिवार के रूप में हम अपने सभी कानूनी उपायों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन तब तक मैं अपनी विनम्रता पूर्वक एक माँ होने के नाते अनुरोध करती हूँ कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें, आधी अधूरी जानकारी की मदद से टिप्पणी ना करें।
गुजरात के एक ज्वेलर्स ने रक्षाबंधन के अवसर पर शुद्ध सोने और चांदी की राखियां तैयार की है। सोने की राखी 1 ग्राम का और 1.5 ग्राम का है, जिसकी कीमत 6,000 से 10,000 है। भरतपुर के राज परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह के खिलाफ उनके बेटे अनुरुद्ध सिंह ने कहा, पाला बदलना पिता विशेश्वर की फितरत में है। बार बार चेहरे को छूने से आपके स्किन पर इन्फेक्शन पहुंचता है और आपको मुहासे हो सकते हैं। अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान रखें कि चेहरे को दिन में 2 बार धोएं। धोने के लिए आप एंटीबैक्टीरियल फेशियल क्लींजर से क्लेंज जरूर करें। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार PGCIL के ऑफिशियल वेबसाइट powergridindia.com पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर शादी कैसे करेगी, इस बारे में उन्होंने सब सोच रखा है। बैचलर पार्टी से लेकर शादी के कॉस्ट्यूम और जगह तक जाह्नवी ने प्लान कर रखा है। जाह्नवी का कहना है कि वो एकदम सिंपल तरीके से शादी करेगी और 2 दिन में अपनी शादी निपटा देगी। शादी के बाद रिसेप्शन होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।